अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम सोशियोलॉजी में एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने एथनोसेंट्रिज्म पे अलग वीडियो बनाई जिसमें मैंने डिटेल्ड लेक्चर दिया, एग्जांपल्स, कॉन्सिक्वेंसेस एथनोसेंट्रिज्म के ये बताए। जीनोसेंट्रिज्म पे मैंने अलग वीडियो बनाई जिसपे मैंने डिटेल्ड लेक्चर दिया है जीनोसेंट्रिज्म पे और इनके कॉन्सिक्वेंसेस जीनोसेंट्रिज्म की, कॉजेस क्या हैं जीनोसेंट्रिज्म की, एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आपको एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म दोनों लेक्चर्स के अलग अलग लिंक मिल जाएंगे। अब ये जो थर्ड लेक्चर है मेरा इसी टॉपिक के ऊपर, एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म, इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को एथनोसेंट्रिज्म की वीडियो अलग देखनी होगी और ये जो जीनोसेंट्रिज्म है इसकी वीडियो अलग देखनी होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मैं सिर्फ आपको ये आमने सामने लिख के दे रहा हूं कि आपकी मजीद जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ये डिफरेंसेस देखें, स्टार्ट करते हैं इस साइड पे एथनोसेंट्रिज्म, यहां पे जीनोसेंट्रिज्म, क्या क्या डिफरेंसेस है देखें। एथनोसेंट्रिज्म हम कहते हैं अ बिलीफ और थिंकिंग दैट वंस ऑन कल्चर इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर कल्चर्स, के ये थिंकिंग या बिलीफ के मेरा अपना कल्चर सुपीरियर है दूसरों के कल्चर से, यानी आप अपने कल्चर को सुपीरियर कंसीडर कर रहे हैं, दूसरों के कल्चर को इंफीरियर कंसीडर कर रहे हैं। इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट जीनोसेंट्रिज्म क्या है? बिलीफ और थिंकिंग दैट अदर कल्चर्स आर सुपीरियर टू वंस ऑन कल्चर। यहां पे सुपीरियरिटी आप अदर कल्चर को दे रहे हो, उनको, अदर कल्चर्स को आप सुपीरियर कंसीडर कर रहे हो और अपने कल्चर को आपने क्या किया हुआ है, सब्जुगेट किया हुआ है, इंफीरियर कंसीडर किया हुआ है। बिलीफ और थिंकिंग दैट अदर कल्चर्स आर सुपीरियर टू वंस ऑन कल्चर, ठीक समझ आई? एग्जांपल देखें एथनोसेंट्रिज्म की, जजिंग ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ अदर कल्चर। जो एथनोसेंट्रिक लोग होते हैं वो दूसरे लोगों की ईटिंग हैबिट्स को सबसे पहले जज करते हैं। मैंने आपको जब एथनोसेंट्रिज्म पे डिटेल्ड लेक्चर दिया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग फोक और नाइफ यूज करते हैं खाना खाने के लिए। अब जो लोग फोक और नाइफ यूज करते हैं अगर वो एथनोसेंट्रिक हों तो वो दूसरे लोग जो ट्रेडिशनल कल्चर से बिलोंग करते हैं और हाथों से खाते हैं, चावल भी हाथों से खाते हैं, स्पून नाइफ फोक ये यूज नहीं करते, तो ये जो फोक और नाइफ यूज करने वाले हैं ये उन ट्रेडिशनल कल्चर के लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, उन्हें कहेंगे कि आपका खाने का तरीका इनअप्रोप्रिएट है, ठीक नहीं है, ठीक। और जो हमारा तरीका है, हम फोक नाइफ यूज कर रहे हैं, ये ज्यादा सिविलाइज्ड है और ज्यादा अप्रोप्रिएट है, समझ आई? इसके बरक्स, बिल्कुल इसके अपोजिट, इसी एग्जाम्पल को देखें यहां पर, कंसिडरिंग ईटिंग हैबिट्स ऑफ अदर कल्चर सुपीरियर। एक बंदा ट्रेडिशनल कल्चर से बिलोंग करता है, हाथों से खाता है, लेकिन जब वो कहीं हाई फायर रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पे जो हाई क्लास के लोग हैं, हाई कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनको देखता है कि वो फोक और नाइफ से खा रहे हैं चीजों को, तो क्या है उसके अंदर एक वो आता है कि यार हम लोग तो बिल्कुल ही एक सादा तरीके से खाते हैं, ये लोग तो बहुत एडवांस्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, ये लोग फोक नाइफ्स यूज करते हैं खाने के लिए, तो क्या है दूसरों की जो ईटिंग हैबिट्स है उसके लिए लाइकनेस आ रही है, उसको सुपीरियर कंसीडर किया जा रहा है उनकी ईटिंग हैबिट्स को, और अपनी ईटिंग हैबिट को आप डिग्रेड कर रहे हो, समझ आ गई? आगे दूसरी एग्जांपल देखें, इंग्लिश लैंग्वेज की लिखी है। जब ब्रिटिशर्स सब कॉन्टिनेंट में आए, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी बनाया, तो उन्होंने एक चीज हमारे जहनों में डाल दी, उन्होंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर है, ठीक। आपके कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, आपने कम्युनिकेट करना है, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है वो हमारे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, ब्रिटिशर्स कहते हैं, और जिसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती वो हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, आपने सीखनी है, सुपीरियर है, ठीक। तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिटिशर्स क्या है, सुपीरियर समझते हैं। आज भी आप अमेरिका में चले जाएं, ठीक, तो अमेरिकन लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है अमेरिका की, ठीक, उसमें जो वेरिएशंस आई हैं वो अपनी अमेरिकन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो डायलेक्ट है उसे सुपीरियर समझते हैं, ठीक। एथनोसेंट्रिज्म है,
अब यही इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल आप जब जीनोसेंट्रिज्म में लिखते हैं तो थोड़ा रिफ्रेज कर देते हैं इस बात को कि हम अपनी नेटिव मदर टंग नेशनल लैंग्वेज को हम प्रेफरेंस नहीं देते, हम प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, हो इंग्लिश लैंग्वेज को, और हम उसी को सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज, जिस बंदे को आती है इंग्लिश, वो सिविलाइज्ड है, और वो बंदे क्या है जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वो ज्यादा वो है, क्या नाम है, सिविलाइज्ड हैं। ठीक, तो इंग्लिश लैंग्वेज को हमने प्रेफरेंस दे दी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसके ऊपर। समझ आई? यहां पे ये लोग अपनी, ब्रिटिशर्स अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, यहां पे हम उनकी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक, आगे आए एथनोसेंट्रिज्म में, ओवरवैल्यूज वंस ऑन कल्चर। अब एथनोसेंट्रिक लोग हैं, ये अपने ही कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, तो ये अपने कल्चर को ओवरवैल्यू दे रहे होते हैं। ओवरवैल्यू जब ये अपने कल्चर को दे रहे होते हैं तो दूसरे कल्चर को अल्टीमेटली डिग्रेड कर रहे होते हैं, और उन्हें उनके कल्चर को इंफीरियर कंसिडर कर रहे होते हैं, इनअप्रोप्रिएट कंसिडर कर रहे होते हैं। मतलब ओवरवैल्यूज वंस ऑन कल्चर। इसी के बिल्कुल अपोजिट आप जीनोसेंट्रिज्म में देखें, ओवरवैल्यूज अदर कल्चर्स। यहां पे जीनोसेंट्रिक लोग क्या है, दूसरे के कल्चर को ओवरवैल्यू दे रहे हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चरल एलिमेंट्स, ठीक, उनके कल्चर को ओवरवैल्यू दे रहे हैं और अपने कल्चर को डीवैल्यू कर रहे हैं। ठीक, आगे देखें एथनोसेंट्रिज्म में, डीवैल्यूज अदर कल्चर्स। वही बात है, जब अपने कल्चर को ओवरवैल्यू कर रहे हैं तो दूसरों के कल्चर को डीवैल्यू कर रहे हैं। जीनोसेंट्रिज्म, अगर दूसरों के कल्चर को ओवरवैल्यू कर रहा है तो अपने कल्चर को डीवैल्यू कर रहा है। डीवैल्यूज वंस ऑन कल्चर। ठीक हो गया। एथनोसेंट्रिज्म का एक्सट्रीम केस होता है जीनोसाइड। मैंने आप लोगों को जब ये एथनोसेंट्रिज्म पे लेक्चर दिया तो मैंने बताया कि अगर दो कल्चर्स हैं, ये देखें, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये जो ब्लैंक स्पेस है वाइट, ये कल्चर ए है, और जिसमें स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, ये कल्चर बी है। कल्चर ए के लोग भी एथनोसेंट्रिज्म उनके अंदर पाया जाता है, कल्चर बी के लोगों के अंदर भी एथनोसेंट्रिज्म पाया जाता है। कल्चर ए के लोग अपने कल्चर को ओवरवैल्यू दे रहे हैं और बी का जो कल्चर है, ये वाला कल्चर, इसको डीवैल्यू कर रहे हैं। इसी तरह जो बी के लोग हैं, इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये ए कल्चर के जो नॉर्म्स हैं, जो भी बिलीव्स हैं, उनको क्या है, डीवैल्यू करते हैं और अपने कल्चर को ओवरवैल्यू कर रहे हैं। यानी दोनों के अंदर ये चीज है कि दोनों अपने कल्चर को ओवरवैल्यू कर रहे हैं, यानी दोनों के अंदर क्या है, एथनोसेंट्रिज्म पाया जाता है, यहां पे भी यहां पे भी। तो ऐसे कल्चर के लोग जब इकट्ठे रह रहे हों ए और बी, तो क्या रिजल्ट होगा, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए डिसलाइक आता रहेगा, और एक्सट्रीम केस हो जाएगा जीनोसाइड। एक कल्चर के लोग उठ के दूसरे कल्चर के लोगों को मारना शुरू कर देंगे, उनके कल्चर के लोग उठ के ए के कल्चर के लोगों को मारना शुरू कर देंगे, तो जीनोसाइड होगा। एथनोसेंट्रिज्म का एक्सट्रीम केस होता है जीनोसाइड। जीनोसेंट्रिज्म का एक्सट्रीम केस होता है क्रिटिसाइजिंग वंस ऑन कल्चर। आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप जो दूसरों के कल्चर को फॉलो करते 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 इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप अपने कल्चर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। आप ये कहते हो कि मेरे जो कल्चर के चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, चाहे मटेरियल हैं चाहे नॉन मटेरियल हैं, उनके अंदर कमियां हैं, हम इंफीरियर हैं और दूसरे कल्चर के लोग हमसे ज्यादा सुपीरियर हैं। तो क्या है एक्सट्रीम केस, आप अपने कल्चर को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। दूसरा एक्सट्रीम केस इसमें यह आ जाता है कि लोग माइग्रेशन कर जाते हैं, उन्हें अपने कल्चर के अंदर कमियां नजर आती हैं बहुत सी, तो क्या है, उन्हें लगता है कि हम इतने एडवांस्ड नहीं है, और जो एडवांस्ड कल्चर में लोग रहते हैं उन्हें ज्यादा प्रेफरेंसेस होते हैं, ज्यादा प्रायोरिटीज मिलती हैं, ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं वो लोग, तो क्या है, माइग्रेट कर जाते हैं। समझ आई बात की? अब ये डिफरेंसेस हो गए। अब इससे ज्यादा एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म को मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं? ये कह सकता हूं कि एथनोसेंट्रिज्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके देख लें, डिटेल्ड लेक्चर इस पे दिया है। जीनोसेंट्रिज्म पे अलग लेक्चर दिया है डिटेल में, इसको जाके देख लें। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।